दोस्तों आज हम थ्रोन ऑफ सिल के आगे की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिन सिन और सिमा सियान के बीच में मैच अनाउंस होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिसन इस मैच को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि लिन सिन किस तरह से सिमा सियान का सामना कर पाता है, ताकि इस तरह से लिन सिन के लेवल के बारे में पता चल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन भी अपने इस मैच के लिए अरेना में आ जाता है और अभी भी वह अपने पुराने आदतों से बाज नहीं आया था। अब इसके बाद सिमासियान भी अपने मैच के लिए अरेना में आ जाता है, जिसके दौरान रेफरी अनाउंस करता है कि एक थेरेपिस्ट अच्छे तरीके से अटैक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अगर सिमासियान 10 मिनट तक खुद को हारने से बचा लेता है तब उसके बाद उसे इस मैच का विनर अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां सिमासियान से इम्प्रेस हो गई थी और इसी के साथ वो उसकी तारीफ भी करने लगती हैं, लेकिन तभी रेफरी भी इन दोनों के बीच के मैच को अनाउंस कर देता है, जिसके बाद सिमासियान और लिन सिन दोनों ही एक दूसरे का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन सिन अपनी तारीफ करने लगता है और फिर उसे कहने लगता है कि तुम इस वक्त ऐसे अपोनेंट के सामने खड़े हो जो कि प्रिलिमिनरी राउंड में पूरे मैजिक हॉल के अंदर पहले नंबर पर आया था। इसी के साथ लिन सिन सिमासियान को अपने मैजिक का जलवा भी दिखाने लगता है, क्योंकि असल में वह अभी तक का सबसे ताकतवर फिफ्थ रैंक वाला फायर मैजिशियन है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन के पास में लिक्विड स्पिरिचुअल पावर भी थी, जिसे देख लिन सिन और बाकी लोग भी पूरी तरह से चौंक जाते हैं। इसी के साथ लिन सिन कहने लगता है कि वह मैजिक टेंपल का अगला मास्टर बनने वाला है, क्योंकि वह खुद को मैजिक टेंपल का सक्सेसर समझने लगा था। और इसी के साथ वह कहने लगता है कि मुझ में थोड़ी सी लापरवाही भी है, लेकिन इसके अलावा मैं थोड़ा सा हैंडसम हूँ। लेकिन अब हम देखते हैं कि मैजिक टेंपल का मास्टर लिन सिन के ऊपर गुस्सा हो गया था, क्योंकि अभी तक उसने मैजिक टेंपल के सक्सेसर के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया था, लेकिन इसके बाद भी लिन सिन खुद को मैजिक टेंपल का सक्सेसर बता रहा होता है। वही अब हम देखते हैं कि लिन सिन अब अपने इमेजिनेशन में खो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पास में बहुत ही पावरफुल मैजिक है और इसीलिए वह सिमासियान को उसके सामने हार मान जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन खुद को इस मैच का विनर बनते हुए देखता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सिमासियान होली टेंपल से है, जिसकी वजह से वो अपने मैजिक का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से हरा देगा। अब इस बात के वजह से लिन सिन सच में बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि रेफरी ने उसे विनर अनाउंस कर दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिमासियान लिन सिन के सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि असल में वो भी प्रिलिमिनरी राउंड में ही लीग हॉल के तरफ से पहले जगह पर आया था, इसलिए अब सिमासियान लिन सिन का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। लेकिन अब सिमासियान के मसल को देखते ही लिन सिन की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक थेरेपिस्ट के पास में ऐसे मसल्स हो सकती है। अब इसकी इतनी खतरनाक बॉडी को देख बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वे सभी हीला हॉल के मास्टर के तरफ देखने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात के वजह से खुद वह मास्टर भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और इसीलिए वह इनसे कहता है कि उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। वही दूसरी ओर सिमासियान लिन सिन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख अब लिन सिन की हालात पूरी तरह से खराब हो गई होती है। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ घंटों में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना।